नमस्कार, मैं हूं करण और आज का वीडियो होगा देवबंद रोड की लाइन को लेकर कि यहां पर कितना कार्य में प्रगति आई है और इस वीडियो की काफ़ी टाइम से डिमांड भी चल रही थी। तो अभी शुरू करते हैं वीडियो और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अभी चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर ये लोको जा रहा है, ठीक है। और सामने ये रिले रूम दिख रहा होगा आपको। अब मैं आ चुका हूँ रेलवे ट्रैक के करीब और ये दिशा है मुजफ्फरनगर की और ये दिशा है देवबंद स्टेशन की। जस्ट सामने कुछ ही मीटर्स में देवबंद रेलवे स्टेशन है और ये फाउंडेशन वगैरह मैं पहले दिखा चुका हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन जो नए ट्रैक्स डलेंगे उनके लिए फाउंडेशन वर्क किया जा चुका है और आगे भी चल रहा है। और नई चीज़ है ये इस दिशा में, मतलब कि ये जो लोकेशन जंक्शन बॉक्सेज आप देख रहे हैं नए सिग्नलिंग के लिए, तो ये यहाँ पर नए इंस्टॉल किए गए हैं अभी। और ये पुराने वाले जो हैं इनको हटा दिया जाएगा जब नए ट्रैक्स डलेंगे और नॉन इंटरलॉकिंग वर्क भी होगा बाद में। और लगातार केबल्स वगैरह अंडरग्राउंड डाली जा रही हैं। अब चलते हैं आगे। अभी मैं बिल्डिंग वगैरह भी दिखाने वाला हूँ आपको प्रॉपर तरीके से कि जो नई बिल्डिंग है वो कहाँ पर बनेगी, मतलब कि वहाँ पर जो है तोड़ फोड़ शुरू की जा चुकी है जहाँ नई बिल्डिंग बनेगी। जो पुरानी बिल्डिंग थी वो तो टूट ही रही है धीरे धीरे। तो चलिए मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ जो प्लेटफॉर्म होगा उसका क्या स्टेटस है वो भी दिखाता हूँ। तो वीडियो बन रही है और आगे भी काम चल रहा है लगातार। अब ये देखिए ये एक नाला है, इसको जो है सुखाया जा रहा है और ये ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं। असल में पीछे वैक्यूम पंप लगा हुआ है एक, तो उसकी मदद से नाले को सुखाया जा रहा है। और ये देखिए सिग्नलिंग वर्क यहाँ पर लगातार चल रहा है, अंडरग्राउंड केबल्स वगैरह डाली जा रही हैं, लगे हुए लोग। और ये रहा रिले रूम जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। अब मैं करीब आ चुका हूँ ट्रैक के और एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए लगातार यहाँ पर ये देखिए एक लोकेशन बॉक्स ये रहा और काफ़ी सारे इसी तरह से इंस्टॉल किए जा रहे हैं यहाँ पर। और एक लूप लाइन जो निकलेगी प्लेटफॉर्म नंबर जो 3 था देवबंद का, जो लाइन खाली पड़ी थी उसको भी चालू किया जाएगा बहुत जल्द और उसे उखाड़ा भी जा रहा है। चलिए चलकर दिखाता हूँ। अब देखिए ये अप लाइन है, अब यहाँ से एक लूप निकलेगा लेफ्ट हैंड में, ठीक है। वो जाके देवबंद का जो पुराना प्लेटफॉर्म नंबर 3 था उसमें जुड़ेगा, वो बाद में नंबरिंग चेंज की जाएगी, ठीक है। तो अभी दिखाता हूँ, अभी यहाँ से एक लूप निकलेगा और उसके लिए फाउंडेशन बना दिए गए हैं उस ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। ये देखिए ये तो एंकरिंग हो गई और एक ये रहा, यहाँ पे एक मास्ट आएगा और ये देखो लोकेशन बॉक्स पॉइंट्स वगैरह बनेंगे, अभी इसमें से एक लूप निकलेगा और बीच में तो निकलेंगे अप और डाउन लाइन के जो टर्नआउट्स निकलेंगे वो तो है ही। और एक यहाँ पर ट्रैक आएगा जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, ये यहाँ पर एक ट्रैक आएगा और सीधे जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 था पुराने वाला वो उसमें जुड़ेगा। अभी आगे चल के दिखाता हूँ कि कहाँ पे है वो ट्रैक। ये देखिए मैं इस ट्रैक की बात कर रहा था, इस ट्रैक की तो पहले ये इसी में यहीं से जुड़ जाया करता था, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ से नहीं, थोड़ा पीछे खिसक के और जहाँ ये देख रहे हैं ना अभी पोर्टल, ये हटेगा यहाँ से और यहीं पे एक और ट्रैक जाएगा और आगे जाके मिलेगा जहाँ से मैंने बताया ना कि एक लूप निकलेगा, वहाँ से सीधे वहीं से आएगा और वहाँ से फिर यहाँ जुड़ेगा, मतलब यहाँ से नहीं जुड़ेगा जहाँ पहले था। तो उसे भी बहुत जल्द जोड़ दिया जाएगा और बाकी जो काम चल रहा है। अब बिना देरी किए मैं आपको ले चलता हूँ स्टेशन की बिल्डिंग पर, ठीक है। ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ये कुछ ना कितने 1 2 3 4 5 बॉक्सेस, लोकेशन बॉक्सेस यहाँ पे अभी इसमें कनेक्शन वगैरह किए जाएंगे, ठीक है। ये देखिए केबल्स वगैरह अंडरग्राउंड, देखो कितनी गहराई में, ठीक है। और ये देवबंद बिल्डिंग सामने है बस आने वाली है, मैं एंट्री भी दिखाऊंगा जहाँ पे नई बिल्डिंग बनेगी और जो पुरानी वाली टूट रही है वो भी। अब मैं आ चुका हूँ पुराने वाली बिल्डिंग के पास, तो ज़्यादा कुछ तोड़ फोड़ तो नहीं हुई है, टिकट वगैरह भी वहीं से मिल रहा है अभी तक, ठीक है। अभी एंट्री भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और पीछे अगर आप मुड़कर देखें, ये देखिए नया केबिन, वो जो नई बिल्डिंग बनी है पावर कंट्रोल जो भी है उसमें जो है इक्विपमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं और लगभग रेडी है बिल्डिंग, बस कनेक्शन जो है होने बाकी हैं। तो अभी चलते हैं एंट्री पर। अब जो मैं वहाँ से यहाँ आ चुका हूँ और ये टिकट घर है और देखिए कुत्ते वगैरह यहाँ पर घूम रहे हैं। और आगे देखिए ये देखिए मार्किंग की जा चुकी है, यहाँ पर जो है नई बिल्डिंग आएगी। देख रहे हैं तोड़ फोड़, दिस इज फॉर न्यू बिल्डिंग।
तो ये एंट्री है देवबंद की, और जो जितनी तोड़ फोड़ यहाँ की गई है यहाँ तक जो है नई बिल्डिंग आएगी। पुरानी बिल्डिंग जो वहाँ दिख रही है आपको, ये सब तोड़ दिया जाएगा बहुत जल्द। और टिकट घर कहाँ बन रहा है टेम्परेरी वो मैं दिखाई चुका हूँ, चलो एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए यही हो नया टेम्परेरी, मतलब कि टेम्परेरी टिकट घर है, नया टिकट घर यहाँ पे होगा, यहीं से टिकट वगैरह मिला करेंगे। और ये बिल्डिंग के ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और देखिए नए प्लेटफॉर्म्स जो कास्टिंग की जा रही है, और देखिए आगे भी तोड़ फोड़, ये देखिए नए प्लेटफॉर्म आगे तोड़ फोड़ की जा रही है। देखिए यहाँ पर जो है लगातार नए प्लेटफॉर्म की कास्टिंग की जा रही है। और जो ये देख रहे हैं आप, ये बीच में गैप, यहाँ पर एक पुराना ट्रैक हुआ करता था, उसे अब डिसमेंटल कर दिया गया है, और वहाँ भी ट्रैक की डिसमेंटलिंग चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे दाएं तरफ जो आप लोगों को देख रहे हैं, वहाँ पर एक नया प्लेटफॉर्म आएगा, जितने प्लेटफॉर्म बनेंगे मैं दिखा दूँगा फ्यूचर में। तो यहाँ पर एक ट्रैक हुआ करता था, वो हटा दिया गया है, डिसमेंटल कर दिया गया है। पहले माल गोदाम की लदाई हुआ करती थी उस पर। तो अब ये देखिए, ये है दिशा है टपरी रुड़की सहारनपुर अम्बाला की, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर एक है, और यहाँ पर एक ट्रैक हुआ करता था, अगर आपको याद हो, याद ही होगा, मैंने दिखाया यार लॉकडाउन में, लास्ट लॉकडाउन में। तो एक ट्रैक तो बचा हुआ है पुराने वाला, लेकिन ये यहाँ पर था एक ट्रैक, उसको हटा दिया गया है। अब यहाँ पर नए ट्रैक्स डलेंगे, कुछ दिन बाद ये वाला ट्रैक भी यहाँ से हट जाएगा। और ये देखिए नज़ारे, ठीक है, यहाँ बनेगा एक नया प्लेटफॉर्म, एक या जितने बनेंगे मैं दिखा दूँगा बाद में। ये देखिए, तो ये है ग्राउंड पर रिपोर्ट। और अभी इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट दे देता हूँ, और अभी धीरे धीरे चलते हैं इस पार। और मैंने बताया था ना कि एक लूप लाइन वहाँ, इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक दो मिनट पे बताया था कि एक लूप लाइन निकलेगी जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, वो ये है, इसको भी शुरू किया जाएगा। और इसका भी देखिए ट्रैक धीरे धीरे डिसमेंटल किया जा रहा है पुराने वाला, ये देखिए उखाड़ा जा रहा है इसको, ये भी जल्द चालू किया जाएगा, देखिए उधेड़ दिया है बिल्कुल। और फिर बाद में ये भी इसमें कनेक्ट हो जाएगा। और आगे जो है फाउंडेशन वर्क दिखाता हूँ मैं आपको, वीडियो बने रही है, बने ही हैं आप लोग, बार बार आदत पड़ गई है बोलने की, सॉरी। और यहाँ पे एक प्लाजर आया हुआ है, चलिए अब आगे चलते हैं, ये सब तो दिखाते ही रहूँगा मैं। लॉकडाउन का समय है अभी, मतलब कि 24 मई तक बढ़ा दिया गया है हमारे उत्तर प्रदेश में। और देखिए लोकेशन, ये सब मैं दिखा चुका पहले लोकेशन बॉक्सेस में, कुछ और दिखाने आया हूँ, ठीक है, वो दिखाता हूँ आपको। अब देखिए दूसरा सेकेंडरी रूम इस तरफ है, वो देखिए सामने दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ। और एक ये देखिए यहाँ पर फाउंडेशन, यहाँ पर पोर्टल आएगा, पोर्टल पता है किसे कहते हैं, ये जो खड़ा ना लंबा सा, इसे पोर्टल कहते हैं। तो इसी साइड टाइप का एक यहाँ पे आएगा, और इसी के सीध में, इसी के सीध में ये मेरी उंगली के सीध में देखिए वहाँ पे है, ठीक है। तो उस दिशा में भी चलो वापसी में आते हुए दिखा दूँगा, पर ऐसे एक यहाँ पे है और आगे भी है। और रिले रूम वगैरह, जैसे रिले रूम कहिए या फिर रिले हट कहिए, बात एक ही है, आगे भी दिखाता हूँ, और आगे भी लगातार बनाए जा रहे हैं। और एक फाउंडेशन ये रहा, इसी के सीध में वहाँ पे होगा एक, और अब यहाँ से एक साइडिंग निकलेगी, ठीक है, एक और आगे भी फाउंडेशन है बहुत सारे, दिखाता जाता हूँ आपको। आप लोग अपडेट मांग रहे थे ना, तो अपडेट लो आप। और कहाँ है देखिए, एक चीज़ ढूंढनी पड़ती है मुझे यहाँ पे, एक ही रहा। तो एक ट्रैक अभी जो है बॉक्सेस हैं यहाँ से हटेंगे, साइडिंग आएगी यहाँ पे शायद,
एक ये रहा, और एक थोड़ा सा आगे है, और एक फाउंडेशन वो रहा, और ये रेलवे क्रॉसिंग आ चुकी है, और उसी के सीध में एक वहाँ पे, और आगे अगर आप देख पा रहे हो वहाँ पे देखिए और भी फाउंडेशन वगैरह बनाए जा रहे हैं, और उधर लोकेशन बॉक्सेस में कनेक्शंस किए जा रहे हैं, जो सर्किट बोर्ड है वो इंस्टॉल किया जा रहा है, और बाकी जो है कनेक्शंस किए जा रहे हैं। चुका इस दिशा में ये हमारी अपलाइन है, और ये देखिए यहाँ पे भी ऐसी फाउंडेशन, ऐसी लाइन से जो है फाउंडेशंस बनते गए हैं। मैं उस दिशा से इस दिशा में आ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे एक मास्ट आएगा, आगे पोर्टल बीच बीच में ऐसे इन्होंने किया हुआ है। आगे देखिए एक एंकरिंग कर दी है, तो बीच में जो ये आप नॉर्मल ये मास्क देख रहे हैं ना, ये सब हटेंगे यहाँ से भी, जो डबलिंग के बाद मतलब कि इरेक्ट किए गए थे, ये सब हट जाएगा, क्योंकि अब नए ट्रैक्स लेंगे तो उसके हिसाब से सब काम होगा। और ये देखिए एक ये रहा, यहाँ पे पोर्टल आएगा, ठीक है। और ये आ गया मेरा रेलवे रूम, मेरा सॉरी हमारा। और यहाँ पर भी देखिए एक और, यहाँ पर भी पोर्टल एक्शन किया जाएगा। तो ऐसे देख लीजिए मैं आपको कितने किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर लगभग अप डाउन कर चुका हूँ वहाँ से चल के यहाँ, उस दिशा से भी दिखा दिया, इस दिशा से भी दिखा दिया मैंने, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो अभी भी तो बता देना मुझे कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये अभी इसमें और भी इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए जाएंगे इस रिले रूम में, ये ऐसे ही नहीं बनाया गया है कि लोग रहेंगे यहाँ पे, इसके रिले रूम है, तो इसमें और भी इक्विपमेंट्स अभी आएंगे।